वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम इसके 12 पार्ट्स कर चुके हैं और मुझे लगता है ये जीके की सबसे आसान ट्रिक्स होगी जो कि हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला ट्रिक्स जो कि ज्योग्राफी से है, वो क्या है, महाद्वीपों के बारे में। 7 महाद्वीपों के नाम दिए गए, वो भी कि घटते क्रम में। उसका ट्रिक क्या है, ए यू उम्मा दुम्मा कालिया पर अटका, जिसमें आपका ए से हो गया एशिया, यू से यूरोप, उम्मा में ऊ से हो गया उत्तर अमेरिका, म से अमेरिका, उसी तरह दुम्मा में द से दक्षिण अमेरिका और म से अमेरिका, फिर एक कालिया, कालिया में का से अफ्रीका, लिया से ऑस्ट्रेलिया, फिर प जो है आपका साइलेंट वर्ड है और अटका से अंटार्कटिका। इस तरह से ये हमारे ट्रिक्स हो गई 7 महाद्वीपों के बारे में। तो इस तरह से अगर आप ये ट्रिक्स याद रखें, ए यू उम्मा दुम्मा कालिया पर अटका, तो इससे आप 7 महाद्वीप का नाम आसानी से याद कर सकते हो, भी कि घटते क्रम में। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ये भी आपका ज्योमेट्रिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो वो हमारा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। उसका हमारा क्या ट्रिक है, कोची में 20 फ्यूज जला। क्या ट्रिक है, कोची में 20 फ्यूज जला, जिसमें आपका को से हो गया कोटोपैक्से इक्वाडोर में, फिर ची से हो गया चिम्बोरेजो, वो भी आपका इक्वाडोर में, फिर मे से हो गया मेयान जो कि आपका फिलीपींस में, 20 से हो गया बिसुबियम जो कि इटली में, फ्यूज से हो गया फ्यूजियामा जो कि जापान में, और जला आपका साइलेंट वर्ड है। तो अगर आपसे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पूछा जाए कि वैसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम दिए जाए और आपको ऑप्शन दिए जाए, तो आप इसमें से आपका एक ऑप्शन में होगा और बाकी 3 दूसरे दूसरे ऑप्शन होंगे, तो आप उसमें आसानी से मार सकते हो। तो उसका हमारा क्या ट्रिक है, अगर आपसे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पूछा जाए, तो उसका ट्रिक है कोची में 20 फ्यूज जला। अगर आप ये ट्रिक याद करते हो तो आप आसानी से ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा विश्व की लंबी नदियां क्रम में, यानी कि हमारे ये नदियों के बारे में ट्रिक है कि विश्व की जो भी सबसे लंबी नदियां हैं वह हमारे क्रम में दिए गए हैं, जिसका कि हमारा ट्रिक है नियम डूबे मौसी मजे में। ट्रिक क्या है, नियम डूबे मौसी मजे में। नियम में नी से हो गया नील नदी, या से हो गया योंग टी सी म्यांग नदी, म से हो गया मर्रे नदी, डूबे में डू से हो गया डेन्यूब नदी, फिर मौसी में मौसी से हो गया मिशोरी नदी, और मजे में से हो गया अमेजन नदी। तो ये हमारा किस चीज का ट्रिक था, विश्व की लंबी नदियों के बारे में। तो विश्व की सबसे लंबी नदियां कौन सी हो गई, नील नदी, उसके बाद योंगशिम्यांग नदी, उसी तरह से ये सारे चलते रहेंगे। तो इसके लिए आप आसानी से इस ट्रिक को याद कर लो, अगर नियम डूबे मौसी मजों में, तो आप विश्व की सबसे लंबी नदियां, इन सबों के बारे में आसानी से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा भारत के पूर्वी तटीय राज्य, भारत के जो पूर्व तट में राज्य है वो कौन कौन से है। तो उसका हमारा कौन सा ट्रिक है, एपी का पॉट, जिसमें हो गया एपी से आंध्र प्रदेश, का आपका साइलेंट वर्ड है, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, ओ से ओडिशा, टी से तमिलनाडु। तो ये हमारा ट्रिक था भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के बारे में, जिसका कि आपका ट्रिक था एपी का पॉट, यानी कि भारत के पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य, तो एपी का पॉट के ट्रिक से आप आसानी से इन चारों राज्यों के बारे में बोल सकते हो। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे कि भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन से, उसमें उसके बाद आपके इन चारों में से एक ऑप्शन होंगे, तो आप उसे आसानी से टिक कर सकते हो इस ट्रिक के बदौलत एपी के पॉट से। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको और भी टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। देन टेक केयर एंड बाय।